मेरा कटिंग हो गया है और ये स्लीव्स कटिंग प्रोसेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों का लिंक दिया हुआ है। स्लीव्स कैसे हम लोग कट कर सकते हैं उसका वीडियो आप देख सकती हैं। ये जो स्लीव लेंथ है, ये स्लीव लेंथ मेरा 17 इंचेस का है और ये आर्म होल हो जाने के बाद ये वाला पोर्शन जो है, मतलब स्लीव होल का जो एरिया होता है, स्लीव होल हम लोग एकदम स्ट्रेट रखे हैं, मतलब आर्म होल से ये वाला पोर्शन शेप नहीं दिए हैं। इसीलिए शेप नहीं दिए हैं क्योंकि स्लीव होल में थोड़ा सा मुझे प्लीट्स देना है, थोड़ा सा फ्रील लुक आएगी, इसीलिए आर्म होल का शेप मैं देके ये पोर्शन जो है ये मैंने स्ट्रेट रखी है। इसमें कोई भी शेप मेरा नहीं है, जैसे कि ऐसे करके हम लोग शेप देते हैं तो ये शेप इसमें हम लोग नहीं दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अटैचमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 6x9 इंच का फैब्रिक कट करके ली थी और उसके बाद इसे मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ, मतलब ये जो ये 9 इंच है और ये 6 इंच जो है, 6 इंच को डबल फोल्ड करने से क्या हुआ, ये फोल्ड करने से दो लेयर में मेरा मिल गया और अंदर मैं लाइलिन का जो कपड़ा था वो भी मैं इसमें अंदर डाली हूँ और साथ में पेस्टिंग पेपर भी मैं ऐड की हूँ ताकि ये वाला पोर्शन जो है ये थोड़ा सा स्टीफ आए, थोड़ा सा हार्डनेस आए फैब्रिक में, ताकि ये स्लीव होल में ये थोड़ा सा ऐसा दिखना चाहिए। ऐसा थोड़ा सा दिखना चाहिए। तो ये इसके अंदर मेरा ये फोल्ड करने से मेरे दो लेयर है, एक तो मेरा लाइलिन का लेयर है और एक मेरा पेस्टिंग पेपर का लेयर है, दोनों में वैसे करके ही मैं ऐड कर ली हूँ और फिर फोल्ड करके मुझे जस्ट यहाँ से एक स्टिच देनी पड़ेगी ताकि ये पूरा इसके साथ अटैच हो जाए। तो चलिए अभी स्टिच कर लेते हैं। स्टिच मेरा कंप्लीट हो गया, टॉप स्टिच मैं यहाँ से दिए हूँ। इसे ओपन करने से ये पूरा टच हो गया है। अभी स्लीव का जो रिस्ट एरिया है उसमें हम लोग इसे ऐड करेंगे। अभी ये पोर्शन मेरा स्लीव होल का पोर्शन है और ये रिस्ट पोर्शन के लिए जो हम लोग बनाए थे फोल्डेड जो था, ये चीज़ हम लोग इसके साथ अटैच करेंगे एंड ये जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन जो है इसमें हम लोग प्लीट्स ऐड करेंगे। तो जितना एक्स्ट्रा है ये हम लोग इसमें प्लीट्स डाल देंगे एंड फिर इसे ऐसे करके दोनों को एक साथ पकड़ के अटैच करेंगे। बैक टू फ्रंट की तरफ अटैचमेंट कर रहे हैं, मतलब बैक साइड से लगा रहे हैं और ये फ्रंट की तरफ ये सीम लाइन आनी चाहिए ताकि दूसरा लेयर जो है इससे हम लोग फोल्ड करके फिनिशिंग कर सके। वैसे इसमें इसी के ऊपर ये जो सीम लाइन है इसी के ऊपर हम लोग इसे फोल्ड करके इसे कंप्लीट करेंगे। ऐसे डार्ट देना है, ये 2.5 इंच का डिस्टेंस है और ये इसका जो लंबा है ये 4 इंच का है और नीचे जो स्पेस हम लोग लिए हैं ये 1/2 इंच का है। तो ऐसे करके इसमें डार्ट स्टिच करेंगे। बैक पोर्शन में डालेंगे फेसिंग
जैसे नॉर्मल एक फेसिंग के लिए मैंने 2 इंच का स्ट्रिप मैंने कट करके इसे ज्वाइन कर ली हूँ, और फिर ये बैक साइड में वेस्ट लाइन में फेसिंग ऐड करेंगे। कभी कभी बीच में एक प्लीट्स देंगे ताकि बाद में फिनिशिंग करने में आसान हो।